भाई मॉल के अंदर ले लिया भाई, ब्रेक नहीं, नहीं तेज चला रहा हूँ अभी, बसता है इसमें टैक्सी में। वैसे दोनों का कितना लगेगा, फ्रंट का पीछे का? तो अपनी ओला आ चुकी है, देख रहे हो सर्विस होके। ओह शिट, ओह शिट, आकाश का है, आकाश का है भाई, आकाश का है, ढूंढो उसको। What's up everyone? This side is Akash Guru. Welcome to another new vlog. So guys, first vlog में आपका स्वागत है। तो भाई सामने अपने Vegas Mall and last vlog तो आपने देख लिया होगा, आपको पता होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो भाई अभी हम जा रहे हैं ओला के सर्विस सेंटर एंड ये देखो सामने अपने Vegas Mall बिल्कुल नियर बाय अपने घर से हार्डली 1 किलोमीटर दूर इधर अपना घर। भाई मॉल के अंदर ले लिया भाई, ब्रेक नहीं, नहीं तेज चला रहा हूँ अभी, बसता है इसमें टैक्सी में। वो तो आगे ब्रेक मारनी पड़ेगी इमरजेंसी, खट देने से हमारी रुक गई। एंड गाइज मैं यही कह रहा था, ये बताने वाला हूँ कि कितना चार्ज आने वाला है ब्रेक पैड में, पूरा टोटल चार्ज GST वीएसटी सर्विस चार्ज सब लगा के आपके सामने आज मैं बताने वाला हूँ। एंड दो तीन चीज़ें के बारे में बताने वाला हूँ ओला के सर्विस सेंटर में जाके, उनके जो लीडर है, कहने का मतलब जो भी मैनेजर है उनका। एंड दूसरा सीन ये भाई, इसमें प्रॉब्लम्स बहुत है रियलिटी में, ओला में प्रॉब्लम्स बहुत है। तो भाई आज उसी प्रॉब्लम से अपने को लड़ना है एंड अब बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। स्कूटर पर देखा जाए जनवरी में बहुत अच्छा स्कूटर है, बट उस जितना अच्छा है ना तो उतनी ही इसके वो तो उससे कम इसके अंदर बोले तो प्रॉब्लम्स है। बट प्रॉब्लम्स ना कहने का मतलब ये प्रॉब्लम्स ऐसी है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये, प्रॉब्लम्स में ऐसी है भाई कोई ठीक नहीं कर सकता। अगर पेट्रोल का सीन होता है ना बाहर ख़राब हो जाए तो ऑन द वे हम ठीक करवा सकते हैं किसी मकैनिक से। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इतने इसके अंदर फीचर्स इतने हैं भाई, कोई इसको छूता नहीं है। तो ये सबसे मेजर दिक्कत है इसमें, कुछ भी दिक्कत हो ओला के सर्विस सेंटर भागो। दूसरा दिक्कत ये है, सबसे बड़ी दिक्कत है, कुछ भी ख़राब हो जाता है ना स्कूटर वहीं बंद हो जाता है। आप भाई सीन ही होता है, चलो घर के आसपास तो कोई दिक्कत नहीं, धक्का मार के निकल सकते, घर के दूर तो भाई बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। भाई मैंने मारे 16 किलोमीटर तक धक्के इसमें। एंड भाई गर्मी इतनी हो रही है भाई, हालत पूरी बैंगर वाली ख़राब होने वाली है। तो सीन वही है, अभी जा रहे हैं ओला के सर्विस सेंटर, वहाँ पर कुछ कराएंगे। एंड गाइस 8-10 दिन से ना ओला के सर्विस सेंटर के ही चक्कर लग रहे हैं। लास्ट वीक भी भाई जो अपना ऑफिस की छुट्टी थी सैटरडे संडे भाई ओला के सर्विस सेंटर पे, आज भी संडे हो रहा है, आज भी मैं ओला के सर्विस सेंटर जा रहा हूँ। जाना तो मुझे सैटरडे था, बट एक्चुअली मैं गाइस सैटरडे को भाई MotoGP भारत का इवेंट था तो वहाँ पर GS फिल्म भी आए थे, तो वहाँ हाँ जाना ज़रूरी था। बिकॉज एक ही यूट्यूबर है जो मोटो ब्लॉगर जिनको मैं फॉलो करता हूँ, तो भाई हमने कहा GS फिल्म हमारे सर आ रहे थे हमें जाना पड़ेगा। तो हम वहाँ पे गए थे, हमने भाई बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए, कंटेंट बनाए। अगर जिसने भाई उनको वीडियोस नहीं देखी हुई ना, ब्लॉग्स नहीं देखे, तो आई बटन में उनका लिंक आ रहा है, जाके देख लेना, ऑलरेडी मैं उनके ब्लॉग्स डाल चुका हूँ। गाइस बूम हम निकलते हैं यहाँ, भाई इसके पीछे की ब्रेक नहीं है ना भाई, बहुत ज़्यादा कह रहे बोल दो कॉन्फिडेंस, भाई इसके पीछे की ब्रेक नहीं है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इसको चलाते, डर सा लग रहा है। तो गाइस ज़्यादा बात नहीं करता, मिलते हैं डायरेक्ट सर्विस सेंटर में, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हालत ख़राब हो रही है। एंड फुल वो बोले स्लिप की पहन के नहीं आया, पूरे हाथ पूरा टैनिंग हो गया है। तो भाई ओला के सर्विस सेंटर पहुँचने वाले हार्डली यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी में। एंड भाई अपने बगल में एथर, भाई एथर भी स्कूटर बहुत अच्छा है। एंड एथर की मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है भाई, कंप्लेंट बहुत कम है इसमें अकॉर्डिंग टू ओला। ओला में भाई कंप्लेंट ज़्यादा है, कहीं कहीं है भाई, ये कौन सा हुंडई इसी कहीं साइड है ओला का भी, सामने ही यहीं पे होगा भाई साहब, देखते हैं। ये रहा ओला सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर नहीं ये तो ओला का शोरूम है, रिवॉल्ट का भी यहीं पे ही है। तो ये रहा सामने ओला का, भाई पूछते हैं भाई ये तो शोरूम है, सर्विस सेंटर कहाँ पे इसका? वैसे दोनों का कितने लगेगा, फ्रंट का पीछे का? पीछे में 750 रुपए। नहीं वैसे जरूरत आई है लगानी नहीं, वैसे 750 की लगानी जरूरत, मैंने ऑलरेडी एक बार करा चुका था, 1300-1350 तो अपनी ओला आ चुकी है, देख रहे हो सर्विस होके।
एंड ब्रेक पैड चेंज हो चुके हैं इसके, एंड पूरी कहानी मैं बताऊंगा कि कैसे चेंज हुए एंड कौन से वाले चेंज हुए, थोड़ा सा कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है गाइस। एंड ये इसका शोरूम, एंड भाई द्वारका की सर्विस मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी क्योंकि बिकॉज यहाँ पे यार सुनते भी है बंदे, एंड काम तो अच्छा करते करते सुनते भी है, एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, एंड बोलो सॉरी एक्सपीरियंस अपना अच्छा रहा यहाँ के सर्विस सेंटर से। बट ओला वालों से अगर मेरी वीडियो देखो तो छोटी सी रिक्वेस्ट चाहिए, प्लीज़ स्टाफ बढ़ाओ यार, ये भाई बेचारा अकेला काम कर रहा था। थैंक यू मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा मिलके। तो भाई ने चलाए भाई, अब हम चलाएंगे सेवा सर्विस सेंटर। हाँ हाँ दिखाओ आपको, कैमरा देख के आया हूँ मैं। ओ कितने आ रहे कैमरे? ये तो 70,000 का है, नहीं सात सॉरी ज़्यादा कह रहा हूँ, वो 30,000 का, ये 70 कह रहा हूँ। मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ मैं, राइट वाइड पे जाना, लद्दाख भी मार के आ रहा वो स्कूटी से, वो भाग गया आगे, वो खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया अपनी भाग गई। ये चल भी नहीं रही, मैंने एक बंदे पे देखा था टेपिंग दिखा दो आपको। अच्छा चल रही है, कितनी कमाई होती है इससे यूट्यूब से? बोल दो ये तो मैंने राइड वाइड में जाता रहता हूँ। कहाँ पे गई ये? अपना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, यहाँ से आते रहते हैं, जुड़े रहते हैं उनका पता चल जाता है, देखते रहना है भाई, सपोर्ट करते रहना। मैंने कहा सर्विस आया एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। तो भाई यहाँ पे बंदे मिल गए GoPro देख के, भाई GoPro की ये चीज़ अच्छी है भाई, देखते बंदे आ जाते हैं। एंड गाइस मैं ये कहने वाला था अभी भाई ब्रेक चेक किया जाए, भाई ब्रेक पहले से अच्छी हो गई है। एंड गाइस मैं जो ट्विस्ट की बात कर रहा था ना, वो ट्विस्ट ये था भाई, जो लास्ट टाइम मैं सर्विस कराने गया था ना मोती नगर में, तो उन लोगों ने भाई कुछ हरकतें कर दी थी है ना, थोड़ा सर्विस प्रॉपरली तरीके से नहीं करी थी क्योंकि बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था भाई वो हबड़ दबड़ वाला काम करते हैं, एंड गलती उनकी भी नहीं है बिकॉज भाई गाड़ी बहुत सारी है, बंदे कम है, एंड बंदों से कहीं ना कहीं तो गलती हो ही जाती है। तो उस भाई से भी ये गलती हो गई कि भाई जो उसका वायर जो थोड़ा एक वो था क्या बोलते एक कोई पार्ट था इसका, तो वो पीछे ना ढंग से एडजस्ट नहीं हुआ था, तो ढंग से बोले तो प्रॉपरली तरह से एडजस्ट नहीं हुआ था, तो सी नहीं था, इस चक्कर में ब्रेक नहीं लगती हुआ, बट ब्रेक पैड नए थे है ना। वो बंदे ने चेक किया ना, भाई कह रहा भाई आगे पीछे के ब्रेक पैड तो नए हैं है ना, क्यों चेंज करवा रहे हो? तो मैंने कहा नहीं यार ब्रेक तो लग नहीं रही। उसने फिर खोला, फिर उसने चेक किया, उसने बोला भाई ये आपका पार्ट ढंग से नहीं लगा रखा। तो भाई फिर भाई ने पार्ट लगाया वो, एंड फिर मैंने बोला फ्रंट की ब्रेक चेक कर लो। ओ शिट चलो तो भाई उड़ गए, लगी नहीं उनके, लगी तो नहीं उनके। अरे वो अच्छा, तो भाई ये बंदा कुछ बोल रहा था तो मैं वही पूछ रहा था उनसे, लगी तो नहीं बंदा, तो भाई लगी नहीं उनके। एंड सेफ चले करो, चाहे साइकिल में हो या टू व्हीलर में हो या फोर व्हीलर में हो। एंड गाइस जब आते हैं बैक टू टॉपिक में, भाई पीछे वाले के ब्रेक पैड बिल्कुल नए थे, सही निकले, बस एक पार्ट के चक्कर में वो ढंग से नहीं लगा था, तो इसी चक्कर में ब्रेक नहीं लग रही थी, देखो प्रॉपरली तरीके से ब्रेक लग रही है पीछे की। एंड फिर मैंने भाई को बोला भाई फ्रंट की ब्रेक देख लो, फ्रंट की ब्रेक भाई ने देख कह रहा भाई आपके फ्रंट की ब्रेक पैड पूरे घिसे पड़े हैं, वो उसको बोले तो चेंज करवा लो। मैंने कहा ठीक है भाई, तो उसको भाई चेंज करवाया, एंड जो अपना कॉस्ट आया ना भाई वो पूरा कॉस्ट आया है, बोले ब्रेक पैड थे भाई अपने 715 के फ्रंट के। तो अभी दिखाता हूँ मैं कितना अमाउंट आया, मैंने पेमेंट करी है, वन सेकंड देख सकते हो ये स्क्रीन पे, ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। अब दिख रहा है गाइस आपको, तो गाइस अमाउंट है इसमें 743, टोटल अमाउंट आया 743 का। एंड गाइस 25-30 रुपये के अराउंड लेबर चार्ज लगा है, एंड बस यही कहना था। एंड भाई लोग कह रहे थे भाई आपने ओला केयर प्लस क्यों नहीं लिया, उसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता, तो भाई ये बोले 3500 करना मेरे को अभी इतना कुछ वर्थ इट नहीं लगा, एंड ओला केयर में डूब गया इन फ्यूचर बिकॉज अभी इसका चल रहा है दूसरा साल,
जब ये दूसरा साल कंप्लीट हो गया, थर्ड तीसरे साल में आएगी ना, देन तब मैं इस ओला के लूँगा। बिकॉज जैसे ही पुरानी होती रहेंगे तो बहुत ज़्यादा इशूज इसमें आते रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें आती रहेगी। एंड बस यही रीज़न है अभी नहीं लेने का, बिकॉज अभी तो ठीक है, गाड़ी सही चल रही है, ओला केयर का भी इतना प्रॉफिट नहीं है, बोल तो प्रॉपरली तरीके से उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। जब जैसी ऐसी ये धीरे धीरे पुरानी होते जा रही है तो वो चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये दिक्कतें बढ़ती जा रही है। तो वही सीन है, तीसरे साल लगते हैं इसकी ओला केयर वाली सब्सक्रिप्शन मैं लूँगा, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है गाइस। मैं भी आप लोग को कह रहा हूँ, अगर आप लोग को लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, रिकमेंड मैं कर रहा हूँ। एंड गाइज अगर आप लोग भी लेना चाहते हो ओला केयर प्लस तो ले सकते हो, क्योंकि ओला केयर मत लेना, ओला केयर प्लस लेना, वो उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। तो गाइज अगर आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना, हिट द बटन, लाइक द बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लैम्पी चैनल। इस वीडियो को फैला दो यारो। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative.